अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा डाउट है जो मैं क्लियर करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो। चलो यहां पे मैं आपका पहला क्वेश्चन देख लेता हूं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो को पूरा देख लो, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो इसमें सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है। मेरा दोस्त अभी आया है, 15-25 दिन हुआ है उसको कंपनी क्या सऊदी फाइनल एग्जिट भेज रहा है। उसका उपाय बताओ, अब भेज क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो कंडीशन डाला होगा, कुछ तो होगी वजह भेजने की। तो अब उसके बारे में, वो तो कैंसिल करवाने का ही कोई और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कैन वी गेट एग्जिट आफ्टर 6 मंथ वाइल इंतकाम अमल एक्सपायर। नहीं भाई, तो फिर तो आप एम्बेसी के थ्रू जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते हो भाई। मेरा क्यूआ पे 1 साल का एग्रीमेंट हो तो क्या हम 1 साल पे जा सकते हैं? हाँ, अगर उसमें ऐसा लिखा है तो आप जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर कफील एग्जिट लगा दे पर एक इंसान वही रहना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना होगा? तो बस आप कफील को किसी भी तरह से कन्वेंस करो, कुछ भी करो, आप उसको बोलो भाई कम, उसको थोड़ा कन्वेंस करके एग्जिट कैंसिल करवाओ। दूसरा कोई भी उपाय नहीं अगर कोई भी बोलता है तो, ठीक है। मैं आपकी हर पोस्ट पे कमेंट करता हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई। भाई आपने बस ऐसा ही बोल दिया, कोई सवाल हो तो पूछ लो, मैं ज़रूर जवाब देता, बट आपने पूछा नहीं, बस ये बोल दिया एक सवाल पे जवाब नहीं देते हो। मेरा सवाल है, क्यूआ पे स्टेटस शो हो रहा है पेंडिंग कंप्लीशन ट्रांसफर इन अफसर बाई न्यू एम्प्लॉयर, तो क्या ऐसे में कफील मेरा कफाला को होल्ड कर सकता है क्या, या एग्जिट या हरूब लगा सकता है? कफील होल्ड नहीं कर सकता है कफाले को, मैंने आपको बोला है भाई जल्दी से आप ट्रांसफ़र करवाओ। ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, नई कंपनी को बोलो, वो जितना जल्दी चाहे अपना ट्रांसफ़र फी पे करेगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा कफील का नाम का है और मुझे 3 महीने हो चुका है, अभी तक मेरा इकामा नहीं है, तो क्या मैं कफाला बिल्कुल ले सकते हो? अगर ऐसा कुछ है तो आपका कफाला नहीं, आपका इकामा नहीं बना है तो आप ले सकते हो भाई। अभी न्यू वीज़ा पे आया हूँ सऊदी में, 6 महीना हो गया, 1 साल के बाद वोकेशन मैं जा सकता हूँ इंडिया? अगर कंपनी नहीं जाने दो तो क्या करना होगा? तो फिर आप कंप्लेन करना मकतब अमल में, अगर आपको जाना है कुछ तो रीज़न बताना, जाने को दिक्कत नहीं है, जाने दे सकती, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 85 दिन हुआ है सप्लायर कंपनी में, कंपनी रेड है कि वह पे कॉन्टैक्ट नहीं है, इकामा 6 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है, ट्रांसफ़र हो जाएगा और किस कंडीशन में, प्लीज़ रिप्लाई इन डिटेल। अगर इकामा ख़त्म हो रहा है तो आप रिक्वेस्ट मंगवाने की कोशिश करो, ठीक है, क्यूआ पे, और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। अगर इकामा ख़त्म होता है तो हो जाएगा, ठीक है भाई। मेरा कफील ट्रांसफ़र नहीं दे रहा है, इकामा एक्सपायर हो गया था, 1 साल का रिन्यूअल कर दिया, आप कैसे लूँ ट्रांसफ़र? क्यूआ पे कॉन्टेक्ट नहीं है पर 1 साल का इकामा है, ट्रांसफ़र कैसे होगा? अभी 1 साल नहीं हुआ है मुझे सऊदी में। अगर मैं क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगवाता हूँ तो क्या कफील को पता चल जाएगा, क्या नोटिस पीरियड आएगा? भाई कफील को अभी रिन्यू किया, पूरा 1 साल बाकी है, तो क्या, चलो मैंने आपका सवाल तो समझ लिया, बट इससे पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था, यहीं पे एक भाई ने जो है बोला था कि मेरा जो है क्यूआ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इकामा भी वैलिड था, 1 साल से पहले ही उसका ट्रांसफ़र हुआ, बिना कोई नोटिस पीरियड भी नहीं आया, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया। तो मैं आपको भी वही बता रहा हूँ कि मैंने जो आपका एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि भाई वो भाई ने ऐसा बोला था, तो वही मैंने आपको बता दिया कि आपका भी हो सकता है, आप भी रिक्वेस्ट मंगवाने की कोशिश करो। और कफील को ऐसा नहीं है पता ही चल जाता है, आप मंगवाओ। पासपोर्ट में कितना टाइम रहे कि सऊदी आ सकते हैं? कम से कम 90 डेज होना चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, फर्स्ट टाइम सऊदी आया हूँ, कफील बोलता है 3 महीना यहीं सैलरी मिलती है। हाँ, 3 महीने का तो बोलता है कफील, आपको रुकना पड़ता है, कोई कोई जगह होती है, ऐसा नहीं कि हर जगह, कोई कोई 2 महीना 1 महीने पे भी देता है, कोई कोई होता है कफील पहली बार में थोड़ा दिक्कत करता है बट बाद में फिर देने लगता है। चलो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, और चैनल पे नए हो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।